उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने यूपीपीएससी पीसीएस परीक्षा 2022 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया। नतीजों की इस लिस्ट में उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद की रहने वाली आयुषी सिंह की खूब चर्चा हो रही है। आयुषी की सफलता पर परिवार में खुशी का माहौल है, हालांकि इस खुशी में उनके पिता शामिल नहीं हैं, इसलिए कहीं ना कहीं आयुषी इस बात से मायूस भी हैं। आयुषी के पिता की हत्या हो गई थी, इस घटना के बाद से आयुषी की जिंदगी कैसे बदली, इन तमाम बातों का जिक्र करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं गौरव मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज़ रूम पोस्ट। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की रहने वाली आयुषी की कामयाबी पर पूरा परिवार गर्व कर रहा है। आयुषी सिंह यूपीपीएससी परीक्षा पास करके डीएसपी बन गई हैं। इस उपलब्धि को वो अपने पिता का सपना बता रही हैं। आयुषी का कहना है कि पिता उन्हें अधिकारी बनाना चाहते थे। आयुषी दिल्ली में रहती हैं और यहीं रहकर ही उन्होंने यूपीपीएससी की तैयारी की। जब मैं छोटी थी तब पापा हमेशा ये कहते थे कि अधिकारी बनो। मेरे पापा के कितने सारे फ्रेंड्स थे, वो मुझे हमेशा कॉल करके बोलते थे कि भैया की यही इच्छा है कि तुम अधिकारी बनो। तो सबसे बड़ा जो मेरे लिए अचीवमेंट है वो यही है कि आज मैं अधिकारी बन गई हूँ। बताया जाता है कि 2015 में जब फादर के एक्सपायर होने के बाद आपको एक हादसा टूटा अचानक से, और उसके बाद आपने किस तरह से सफर करा, कैसा पेश आया, कैसे आपको कभी हिम्मत भी हारती होगी तो फिर क्या सोचती थी? 2015 में हमने अपने पापा को खोया था, तब मैं क्लास 11th में थी, मेरा भाई क्लास 10th में था। बहुत प्रॉब्लम्स थी हमारे लिए, उसके बाद केस वगैरह सब चले थे उस टाइम पर, बहुत ज़्यादा एनजाइटी रहती थी, मेंटल प्रेशर रहता था, घर में ऐसा माहौल था कि कोई खुश नहीं था, सब बहुत पूरे दिन सब परेशान रहते थे। क्लास 12th की फिर उसके बाद अर्जुन भैया ने हमें बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने घर पर आया, सब संभाला, और उसकी वजह से ही हम लोग बाहर जा पाए, मैं और मेरा भाई, हम लोगों ने पूरी अपनी ग्रेजुएशन बाहर रहकर के कम्प्लीट करी। आयुषी के पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। दरअसल आयुषी के पिता मुरादाबाद के डिलारी के ब्लॉक प्रमुख थे। योगेंद्र सिंह उर्फ भूरा पर हत्या समेत कई मुकदमे दर्ज थे। साल 2015 में एक केस में पेशी के लिए जेल से कोर्ट लाए गए भूरा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कोर्ट में पेशी के लिए पहुंचे भूरा के पैर पहले सुमित ने छुए, उसके बाद उसने उन्हें गोली मार दी। इस घटना के बाद वकीलों ने सुमित के दो साथियों को भी दबोच लिया था, लेकिन सुमित उस समय भागने में कामयाब रहा था। हालांकि बाद में पुलिस ने उसे पकड़ लिया था, लेकिन कोर्ट में पेशी के दौरान जब उसे कोर्ट लाया गया, उसके बाद फिर सुमित चकमा देकर निकल गया। भूरा का एक बेटा और एक बेटी आयुषी हैं। आयुषी की माँ पूनम अभी दिलारी की ब्लॉक प्रमुख हैं। पूनम, आपकी बेटी आयुषी सिंह का पीसीएस में सिलेक्शन हुआ है, कैसा महसूस कर रही है? अच्छा महसूस कर रही हूँ, बहुत खुशी है मुझे। मतलब किस तरह की चुनौतियाँ लगी उनके सामने, किसकी किसका ड्रीम था जो उन्होंने पूरा करा है, किसका सपना था? उसके पापा का सपना था, उसने अपने पापा का सपना पूरा किया। क्या कहते थे उसके पापा उससे? उसके पापा कहते थे कि मैं अपनी बेटी को अधिकारी बनाऊंगा, तो बस उसने अपने पापा के वास्ते ही फिर यही बना लिया कि मुझे जो है अपने पापा का सपना पूरा करना है। तब भी कभी उसे लगता था कि पढ़ाई कम हो रही है कुछ, तो वही बात याद कर लेती थी कि पापा जो है चाहते थे कि मुझे अधिकारी बनाना है, तो मैं फिर से अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। खत्म पढ़ाई करी है 12th तक। कौन सी स्कूल से करी है? KCM। तो उसके बाद फिर कहाँ चली गई वो पढ़ने के लिए? फिर 12th करने के बाद वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में उसने भी पॉलिटिकल साइंस भी ऑनर्स किया, उसके बाद उन्होंने मास्टर्स डिग्री की और नेट क्वालिफाई कर लिया। और बस आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में मेरा एक बेटा है आयुषी से छोटा। बेटा आदित्य सिंह IIT दिल्ली से MTech की पढ़ाई कर रहा है, वहीं बेटी आयुषी ने अधिकारी बनने का सपना पूरा करने के लिए UPPSC की परीक्षा को क्रैक कर दिया। आयुषी ने बताया है कि पिताजी ने पढ़ाई के लिए मुरादाबाद के आशियाना में घर बनवाया था, उनकी हत्या के बाद ही उन्होंने अधिकारी बनने की ठान ली थी, इसके लिए उन्होंने UPPSC को चुना था। आयुषी सिंह ने मुरादाबाद के KCM स्कूल से हाई स्कूल तक की पढ़ाई की, यहीं से आयुषी ने 12वीं की परीक्षा भी दी। इसके बाद आयुषी दिल्ली चली आई, दिल्ली विश्वविद्यालय से साल 2019 में स्नातक की परीक्षा यानी ग्रेजुएशन की, साल 2021 में उन्होंने पॉलिटिकल साइंस से MA की पढ़ाई पूरी की, नेट की परीक्षा में बैठी और वहां भी सफलता हासिल की। पिछले 2 सालों से आयुषी UPPSC की तैयारी करने में जुटी थी, आखिरकार इसमें सफलता भी मिली। तो ये थी आयुषी की कहानी। आपको अगर ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें,
चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। ऐसी ही कहानियों से फिर मिलेंगे। नमस्कार।